के नवाही इलाके मोहम्मदपुर का 5 साल फास्ट बॉलर मोहम्मद शोएब रियाज की बॉलिंग के चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी क्रिकेट के खिलाड़ी वकार यूनस हौसला अफजाई के लिए बच्चे के घर पहुंच गए। पड़ोसी मुल्क भारत के शायक की दाद दिए बगैर ना रह सके। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे इमरान फरीद से। 5 साल की उम्र में ये नन्हे हाथों से बॉलिंग करवाने वाला ये है हवेली लखा का नवाही गाँव मोहम्मदपुर मोहम्मद शोएब रियाज, जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को फॉलो करके ऐसे भी बॉलिंग करवाता है कि सब बड़े बड़े प्लेयरों के छक्के छुड़ा देता है। ये केजी क्लास का ये तालिब इलम स्कूल से आकर 1 घंटा खेलता है और ये सब टीवी देखकर इसे ने सीखा है। ये एक बॉल एक फिट करके स्विंग करके बॉल फेंकता है। गांव का जो टैलेंट है, ये जो छोटा लड़का है मोहम्मद बिलाल, ये इसकी लेग ब्रेक, इसकी कवर ड्राइव और बॉलिंग के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्विंग भी कर लेते हैं। तो मेरा टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ना ये चाहिए गवर्नमेंट को और पीसीबी को कि इन बच्चों के ऊपर जो देहातों में रहते हैं उनके ऊपर फोकस करें। कहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो के पाकिस्तान की टीम में जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरा नाम बिलाल है, मैं बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ और मैं 5 क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं कौमी क्रिकेट टीम में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम शोएब है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजी। आपको कब शौक पड़ा? 2 साल। कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। खिलाड़ी वकार यूनस इस बच्चे की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर इसके घर आकर इसको अप्रिशिएट कर चुके हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में भी फास्ट बॉलिंग के चर्चे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी को चाहिए कि बच्चों के टैलेंट को उजागर करें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इमरान चिश्ती, हवेली लखा।